फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना क्रिएशन। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार की स्लीव्स कि क्या उनके नाम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीव गारमेंट का वो हिस्सा है जो हमारी बाजू को कवर करता है और इसको कई प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि गारमेंट की ब्यूटी को और बढ़ा सकें। बेसिक तीन तरह की बाजू होती है, रेगुलर स्लीव जिसको सेटिन स्लीव भी बोलते हैं, रेगलन स्लीव और किमोनो स्लीव। सबसे पहले हम जानेंगे रेगुलर स्लीव के बारे में जिसे सेटिन स्लीव भी कहते हैं। इसको कंधा का नाप रखते हुए आगे गुलाई में आर्मपिट तक शेप देके कटिंग की जाती है बोडाइस की और स्लीव को गुलाई में ही आर्महोल साथ अटैच किया जाता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है सिलाई करने का। ज़्यादातर गारमेंट्स में इसी प्रकार से स्लीव्स अटैच की जाती हैं। नेक्स्ट है रेगुलर स्लीव। इसकी कटाई आर्मपिट से लेके कॉलर बोन तक तिरछी की जाती है। डायगनल कटिंग होने के कारण ये बहुत ही कंफर्टेबल स्लीव है और स्पोर्ट्स वियर में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है किमोनो स्लीव। ये बुडाइस में से ही कटिंग होती है, इसकी अलग से कटाई नहीं की जाती। ये ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। स्क्वायर शेप्ड स्लीव है ये। स्लीवलेस, ये नाम से ही पता चलता है, स्लीवलेस वो गारमेंट होता है जो विदाउट स्लीव्स स्टिच होता है। फीमेल ड्रेसेस में, स्पेशली समर वियर्स में ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट हाफ स्लीव है। ये नाम से ही पता चलता है, ये एल्बो या उससे थोड़ा सा अबव कवर करती हुई स्लीव है। नेक्स्ट कैप स्लीव, ये एज अ कैप शोल्डर्स को कवर करती है और नीचे आर्मपिट में डायगनली जुड़ती है। ये बहुत ही छोटी स्लीव होती है जो कि समर वियर्स में बहुत लाइक की जाती है। नेक्स्ट है पफ स्लीव। इसमें गैदर्स चलते हैं कंधे के पास और आगे एक बैलून की शेप ले लेती है। आगे बैंड के साथ इसकी एज फिनिशिंग होती है। किड्स वियर और गर्ल्स वियर में ये बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट बेल्ट शेप स्लीव है जो कि क्वार्टर स्लीव या फुल स्लीव में डिज़ाइन की जाती है। इसमें एल्बो के आगे एक बेल शेप में फ्लेयर आता है। नेक्स्ट है लेग ऑफ मटन। इसमें कंधे के पास गैदर्स डलते हैं और एल्बो तक एक बैलून शेप्ड स्लीव तैयार होती है और एल्बो से रिस्ट तक ये सिलेंड्रिकल फिटेड शेप होती है। आगे थ्री क्वार्टर स्लीव है, इसको ब्रेसलेट स्लीव भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। एल्बो से रिस्ट के बीच में सेंटर में ये स्लीव फिनिश होती है। नेक्स्ट फुल स्लीव है, जैसे कि नाम से पता चलता है ये पूरी बाजू है जो कि कंधे से रिस्ट तक मेजर की जाती है। ये शर्ट्स फुल स्लीव है जिसमें प्लैकेट और कफ के साथ इसको स्टिच किया गया है। मेंस फॉर्मल शर्ट में ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बिशप स्लीव है, ये लॉन्ग फुल स्लीव होती है। इसमें कंधे से फिटिंग आती है और एल्बो के आगे इसमें लूज बैलून तैयार होता है जो कि रिस्ट पे गैदर्स डल के बनता है। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लॉन्स। ये दो पीसेस का कॉम्बिनेशन है, क्वार्टर स्लीव या हाफ स्लीव पर एक सर्कुलर बाइस्ड पीस को अटैच किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रिल स्लीव जो कि एक फिटेड बाजू के आगे फ्रिल को अटैच करके तैयार की जाती है। आधी बाजू या क्वार्टर स्लीव के आगे इस फ्रिल की अटैचमेंट की जाती है। एक्सटेंडेड कैप स्लीव, ये कैप स्लीव की तरह हमारे शोल्डर्स को ऊपर से कवर करती है। छोटी सी बाजू है ये, लेकिन इसमें जो कैप स्लीव से डिफरेंस है वो ये है कि इसकी कटिंग बॉडाइस में से ही होती है, इसकी अलग से कटिंग नहीं होती, कोई आर्म होल नहीं जोड़ा जाता।
नेक्स्ट है डॉलमन स्लीव या बैटविंग स्लीव। ये एक बहुत ही खुली बाजू होती है जिस जो कि आर्म होल से बहुत ही डीप होती है और ये सिंगल पीस कटिंग होती है। इसको अलग से बाजू को काट के नहीं सिला जाता, ये बॉडी में से ही इसकी कटिंग होती है। इसकी शेप एल्बो तक बहुत खुली रहती है एक विंग की तरह और आगे जाके ये सिलेंड्रिकल फिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है लैंटर्न स्लीव। ये दो सेक्शंस को जोड़ के बनता है, कंधे से लेके एल्बो तक के एक फिटेड स्लीव होती है और एल्बो से रिस्ट तक एक बैलून अटैचमेंट होती है जो कि एल्बो पर भी गैदर्स और रिस्ट पर भी गैदर्स डालकर तैयार की जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलर स्लीव। इसको बटरफ्लाई स्लीव भी कहते हैं या अम्ब्रेला स्लीव भी कहते हैं। ये एक मैक्सिमम फ्लेयर वाली बाजू है जो कि सर्कुलर बायस्ड एंगल पे से काटी जाती है। मैगी स्लीव ये ज़्यादातर छोटी बाजू में यूज़ की जाती है और कैजुअल वियर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको अलग से काट के अटैच नहीं करते, बोडाइस में से ही इसकी कटिंग होती है और आर्म होल से ये स्लीव बहुत लूज रहती है। ऑफ शोल्डर स्लीव ये शोल्डर से अटैच नहीं रहती, ये आर्म होल फ्रंट से हाफ से लेके आर्म होल बैक तक हाफ पे अटैच रहती है, शोल्डर से ये स्लीव अटैच नहीं होती। नेक्स्ट है पेटल स्लीव। इसको ट्यूलिप स्लीव या लैब्ड स्लीव भी कहते हैं। ये बाजू दो सेक्शंस को कटिंग करके तैयार की जाती है, ये फ्रंट शोल्डर के पास कंधे में ऊपर की तरफ ओवरलैपिंग के साथ एक पेटल जैसा डिज़ाइन देती है। आर्मपिट से इस स्लीव में जोड़ नहीं होता। नेक्स्ट है कोल्ड शोल्डर स्लीव। ये वो स्टाइल है बाजू का जो कि बाइसेप से अटैच नहीं होती, बाइसेप एक्सपोज होते हैं इस डिज़ाइन में और ये तकरीबन फ्रंट मिड से लेके बैक मिड तक ये तैयार सिली जाती है। नेक्स्ट है स्लैश्ड स्लीव। स्लैश स्लीव का मतलब है एक लॉन्ग कट दिया जाता है स्लीव में जिससे बॉडी रिवील होती है या फिर उसके नीचे कोई कपड़ा लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक स्लीव्स जो मैंने आज आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।